तो ये वाले क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि इसमें क्या कहा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो क्या ये क्वेश्चन है कि एक अपने पास लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड, बाई है मतलब दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर, लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसे इमेज के बारे में हमें प्रिडिक्शन करना है। तो देखो अगर मैं इमेज के बारे में इसको प्रिडिक्शन करूँ तो सबसे पहले अपने पास वही है कि एक लेंस बना लेते हैं, और ये जो लेंस है अपने पास दिस इज़ द बाई कन्वेक्स लेंस, ये एक अच्छा सा लेंस है अपने पास और ये बाई कन्वेक्स लेंस है। ये जो हाइट ऑफ यहाँ से, हाइट ऑफ यहाँ से ऑब्जेक्ट है, और ये जो हाइट है वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज़ द हाइट 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया, और ये 30 सेंटीमीटर पे यहाँ रखा हुआ, ये वाली 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, और ये जो है R2 यहाँ से वो है -20 सेंटीमीटर यहाँ से। तो R1 R2 यहाँ से पूरी वैल्यू अपने पास दी हुई है R1 R2 की। तो अगर यहाँ से R1 R2 की ये जो वैल्यू दी हुई है, इससे मुझे सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले यार यहाँ पे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना। देखो यहाँ पे समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है ना, तो इसको सही कर लो, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास 3/2 ले लो यहाँ से, ठीक है, तभी जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा, समझे, क्योंकि जब तक फोकल लेंथ नहीं पता चलेगा तो हम इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन वगैरह नहीं निकाल पाएंगे और भी वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से 1/फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो μ 3/2 -1 और 1/R1, R1 जो है पहला है जो कि पॉजिटिव है, 1/20 और माइनस माइनस ये +1/20, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 मतलब 1/2 यहाँ से, और यहाँ से 2/20, तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो +20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ अपने पास +20 सेंटीमीटर आ गया तो अब मुझे यहाँ से इसकी भी जानने में भी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो 1/V -1/U इज़ टू 1/फोकल लेंथ, तो 1/V -1/U -1/U और -30U आ जाएगा, और यहाँ से +1/20। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/V = 1/20 और -1/30, ठीक ना। तो 1/20 और 30 में से देखोगे यहाँ से तो ये 10 और 10 और डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 30, तो 0 ने 0 को काट दिया तो 1/60 यहाँ से आ गया, जो कि प्लस में आ रहा, तो V = +60, मतलब जो इमेज है वो राइट साइड बनेगा, ठीक ना। तो अगर जो इमेज है राइट साइड बन रहा है तो उसके लिए मैं, तो जो इमेज है वो यहाँ पे राइट साइड बनेगा, तो अगर इमेज राइट साइड बनेगा तो अब मैं इसका मैग्नीफिकेशन वगैरह निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन अगर देखोगे तो होता है V/U, तो V/U अगर तुम देखोगे तो V कितना है, तो V अपना यहाँ से +60 है, और U यहाँ पे देखोगे कितना है भाई, U यहाँ पे -30 है, तो जो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। तो -2 का ये मतलब है कि जो इमेज है वो रियल है, रियल, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, ठीक ना, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, तो इमेज रियल है इन्वर्टेड है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, या तो ये सही है या तो। अब हाइट अब निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीफिकेशन m also = हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 -2, तो यहाँ से मतलब हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा वो -2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से -2 साइन इग्नोर कर दो, तो 2 यहाँ से
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 था, दैट इज़ 4, जो हाइट ऑफ इमेज होगा माइनस 4 का मतलब होता नीचे होगा, तो जो अपना सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। थैंक यू।